नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म के 22वें दिन की कथा, अध्याय 22 में। राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम हैं, वह सब विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है। तब श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोक हित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उन्हें संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान्न भोजन करें, अर्थात गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के शाक, मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़ नहीं लें, गन्ना ले सकते हैं, और बिना तेल के पकाए हुए भोजन को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सभी प्रकार के आमिष अर्थात मांसाहार, शहद, बेर, राजमा, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित और क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दें। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्रीगमन, तीर्थों को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रति की निंदा और स्त्रियां, राज पुरुषों और संतों की निंदा ना करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जंभीरी, नींबू मास है, धान्यों में मसूर मास है और बासी भोजन मास के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध भी मास के समान ही माना गया है। ब्राह्मण से खरीदे हुए समस्त रस एवं पृथ्वी से निकाला हुआ सांभर नमक मास के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न, विद्वानों ने उसे भी मास के समान ही कहा है। इस समय में पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहें, भूमि पर सोवें, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजस्वला स्त्री चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन और विप्रदोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में न बोलें। रजस्वला स्त्री और कौओं का देखा हुआ, सूतक का अन्न, दोबारा पकाया हुआ तथा भूंजा हुआ अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, मोथा, छन्नाक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम में वर्जित हैं, इन्हें ना खाएं। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त चंद्र, चंद्रायण आदि व्रत भी करें। काशीफल, भटकटैया, लटजीरा, मूली, श्रीफल, इंद्रजौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, अजिक शाक, बेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दें। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दे। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर फिर खावें। हे राजन, वृति पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करें, क्योंकि नियम के बिना वृति मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। यदि शरीर में शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार, जिससे व्रत भंग न हो, बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके
श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 100,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास के ऐसे व्यक्ति को देखकर यमदूत भी भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ण प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न और दरिद्रता तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवक की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गौलोक में क्रीड़ा करता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 22वां अध्याय समाप्त।